हेलो एवरीवन आज हम बनाएंगे ये भिंडी प्याज की मसालेदार सब्ज़ी ढाबा स्टाइल की सब्जी घर के सिंपल मसालों से आप बना सकते हैं वो भी बहुत ही फटाफट से इस भिंडी की सब्जी को सर्व करें चपाती या पराठे के साथ लंच या डिनर में बहुत ही टेस्टी लगती है इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम भिंडी ली है जिसको मैंने इस तरह से एक इंच के टुकड़ों में कट कर लिया है इसी के साथ मैंने लिया है यहाँ पे हरी मिर्च प्याज लहसुन की कुछ कलियाँ और टमाटर एक टमाटर को हम स्लाइस करके डालेंगे और एक से हम पेस्ट बनाकर ग्रेवी तैयार करेंगे प्याज को छील कर धोकर तैयार कर ले उसके बाद हम इस पे कट लगाएंगे तो यहाँ पे अलग तरह से हमें इसको स्लाइस करना है उसके लिए इस तरह कट लगाए और उसके बाद हम जो लेयर्स हैं उनको सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे मैं लेयर्स निकाल रही हूँ इसके बाद जो बीच का पोर्शन बचेगा उसको अलग रख दें इसे हम ग्राइंड करके पेस्ट बनाएंगे तो यहाँ मैंने सारी लेयर्स को सेपरेट कर लिया है अभी जो प्याज की लेयर्स हैं इनको चेक कर लें अगर आपको लगे तो इनको बराबर करने के लिए इस तरह से स्लाइस काटते जाएं और बराबर के पीसेस में कट कर लें जो देखने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं जो ये पीसेस बचे हैं अलग से इनको हम ग्राइंड करेंगे तो एक ब्लेंडर जार में मैंने ये डाल दिए हैं इसी के साथ मैं यहाँ पर मिला रही हूँ एक हरी मिर्च और थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ हरा धनिया भी डालेंगे इसमें तो फ्रेश हरा धनिया एक मुट्ठी भर डाल दें और अब इसे बिना पानी के हम ग्राइंड कर लेंगे तो इस तरह से इसका कोर्स सा पेस्ट बना के तैयार कर लिया है हमने इसको अलग रख देते हैं अब टमाटर लेंगे उसी ग्राइंडर जार में डाल के एक टमाटर को रफली स्लाइस करके और फिर ग्राइंड कर लेंगे तो ये पेस्ट भी हमारा तैयार हो गया है दूसरा जो टमाटर है उसको मैंने इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया है इसको भी अब हम अलग रख देते हैं तो हमारी सारी तैयारी हो चुकी है भिंडी कट करके तैयार है अब ध्यान रखें कि ये पीसेस सूखे हों तो ये टमाटर और प्याज के स्लाइसेस तैयार हैं टमाटर का हमने पेस्ट भी बना लिया है और ये हरा धनिया हरी मिर्च और लहसुन प्याज का पेस्ट भी तैयार है अब एक कढ़ाई में तेल डाल के उसे गर्म करेंगे तो यहाँ मैंने दो टेबल ऑयल लिया है इसमें डालेंगे ये प्याज के स्लाइसेस धीमी आँच पे इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा नहीं फ्राई करना है आप ध्यान रखिए कि इनका ज्यादा कलर चेंज ना हो क्योंकि बाद में हम इसे ग्रेवी के साथ भी पकाएंगे ये देखिए हल्का सा फ्राई हो गया है आप देख सकते हैं इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है और प्याज के जो स्लाइसेस हैं उसमें चमक सी आ गई है बस इसी स्टेज पे हम इसे निकाल के अलग रख देंगे अब उसी तेल में मैं डाल रही हूँ ये भिंडी के पीसेस और इनको भी अब हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे हमें हल्का सा फ्राई करना है इससे भिंडी का जो फ्लेवर है वो बहुत बढ़िया हो जाता है और भिंडी में जो थोड़ी बहुत स्टिकीनेस होती है वो भी खत्म हो जाती है अब उसी ऑयल के अंदर मैं जीरा डाल रही हूँ इसी के साथ सौंफ डालेंगे सौंफ का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है भिंडी में हींग एक चुटकी डाल देते हैं और सभी को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं इतनी बढ़िया सी खुशबू आ रही है इसमें से इसमें हरा धनिया हरी मिर्च लहसुन और प्याज का जो पेस्ट हमने बनाया था वो डाल देते हैं और इसे भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे बहुत ही डिफरेंट साफ फ्लेवर देता है ये सब्जी को इसीलिए हमारी सब्जी बहुत ही स्पेशल बनने वाली है फ्रेंड्स आपने कभी भी इस तरह मसाला बना के भिंडी नहीं बनाई होगी तो इसे ज़रूर ट्राई करें इस मसाले में जो हमने हरा धनिया डाला है पेस्ट बनाते समय वो इसको बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है अब टमाटर का पेस्ट भी डाल देते हैं और इसे भी अब हम भुनेंगे धीमी आँच पे इसको करीब एक दो मिनट तक आप भूनेंगे तो आप देखेंगे टमाटर का कलर भी चेंज हो गया है और जो मसाला है उसमें साइड से ऑयल छूटने लगा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ऑयल छूट रहा है और बहुत अच्छे से ये मसाला हमारा भुन चुका है अब यहाँ हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउडर डालेंगे नमक भी डाल देते हैं साथ ही तो जो बिल्कुल बेसिक मसाले होते हैं हल्दी धनिया मिर्च और नमक वो हमने अभी मिलाया है बाद में हम इसके टेस्ट और फ्लेवर को स्पेशल बनाने के लिए और दो चीज़ें भी मिलाएंगे तो ये देखिए मसाला हमने अच्छी तरह भून लिया है इसका कलर भी बढ़िया आ गया है ऑयल भी इसका छूट रहा है मतलब ये मसाला तैयार है अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और ग्रेवी तैयार करेंगे तो मैं एक कटोरी पानी डाल रही हूँ इसको मिक्स करके चेक कर लेते हैं ये थोड़ा थिक रहना चाहिए अब इसमें बॉयल आ गया है तो हम ढक के इसको थोड़ा सा पकाएंगे दो मिनट के लिए मैंने ढक के रखा है बस तो ये सारे मसाले अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं और ग्रेवी को बहुत ही बढ़िया सा कलर और टेक्स्चर दे रहे हैं अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे जो भिंडी हमने फ्राई करके रखी है क्योंकि भिंडी अभी थोड़ी गली नहीं है तो इसलिए हम इसको पहले डाल रहे हैं मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको अब हमें गलाना है तो यहाँ मैं थोड़ा पानी और बढ़ा रही हूँ आधी कटोरी करीब पानी मैंने इसमें डाल दिया है अच्छी तरह मिक्स दे इसको फिर से ढक के रखेंगे दो मिनट के लिए अब इसे चेक कर लेते हैं ये देखिए इस स्टेज पे अब हम डाल देंगे टमाटर जो हमने स्लाइस करके रखे हैं क्योंकि हम टमाटर को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं चाहते साथ ही अब प्याज डाल देंगे अगर आप प्याज पहले डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा गल जाएगी और फिर वो सब्जी में खिली खिली सी नहीं दिखेगी तो इस तरह से इसका टेस्ट भी बढ़िया लगता है और ये देखने में भी बढ़िया लगती है अब इसमें हम डालने वाले हैं दो स्पेशल मसाले जो इसको और भी बढ़िया बना देंगे वो है जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर इन दोनों मसालों को आप लास्ट में डालें ताकि उनका फ्लेवर और भी बढ़िया आए तो यहाँ अब मिक्स देख के हम इसे बस दो मिनट के लिए और ढक के पकाएंगे और उसके बाद हमारी ये सब्ज़ी बढ़िया सी बनके तैयार हो जाएगी अगर आपको लगे आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं तो बस दस मिनट का टाइम लगता है और ये इतनी बढ़िया सी स्पेशल सब्जी तैयार हो जाती है कितना बढ़िया कलर आया है इसका अब भिंडी भी अच्छे से गल चुकी है प्याज को भी हमने बस लास्ट में डाला था तो ये थोड़ी सी क्रंची रहती है सब्ज़ी में तभी बढ़िया लगती है गर्मा गर्म भिंडी प्याज की सब्जी को सर्व करें चपाती या पराठे के साथ ऐसी ही स्वादिष्ट रेसिपीज़ और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही बेलाइकन को जरूर हिट करें ताकि किसी भी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप मिस ना करें रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर करें मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ तब तक देखते रहें स्वादया रसोई जहां है स्वाद भी और सेहत भी